जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर गर्ल्सी के YouTube चैनल में। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वीकली करंट अफेयर्स और द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी मंथ। हम लोग फरवरी महीने के पहले वीक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वील बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। और जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट कंटेंट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द PDF फॉर्मेट हमारे मेजर गर्ल्सी के वेबसाइट पे। डाउनलोड सेक्शन पे आपको जाना है एंड डाउनलोड दैट PDF फ्रॉम देयर। हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइडेड है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल द न्यूज फ्रॉम द फरवरी मंथ, आई विल बी जस्ट कवरिंग द इंपॉर्टेंट वंस। इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आई विल बी कवरिंग दैट। बट बाकी जो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके डिफेंस रिलेटेड एग्जाम के लिए, बिकॉज अभी का जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, एज वी हैव सीन इन द UPSC examinations, या फिर जितने भी आपके रिटन डिफेंस के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मेट बी MNS, मेट बी योर CDS, NDA, FCAT, whatever examinations में करंट अफेयर्स आ रही हैं, उसमें वन लाइनर के साथ साथ थोड़े डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। सो फॉर दैट यू नीड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम नाउ ऑन। पहले होता था दैट यस इट इज अ वन डे एग्जामिनेशन, तो आप एक बार अपने वन लाइनर पढ़ा, मैगजीन उठाई, दो तीन पेजेस पढ़े एंड आप करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन टिक कर ले गए। बट नाउ इवन दो आपने बस उस करंट अफेयर्स के बारे में पता है, आपने न्यूज सुनी है कहीं से इस नेशन में यहाँ पे हो रहा है, बट दे विल बी आस्किंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट क्वेश्चन। सो परफेक्ट एनालिसिस ऑफ एवरी न्यूज इज नाउ रिक्वायर्ड एंड इट इज एसेंशियल टू एस योर एग्जामिनेशन नाउ। तो करंट अफेयर्स में अगर आपको अच्छा करना है अब से, तो आपको प्रॉपरली उसकी नॉलेज चाहिए, डिटेल एनालिसिस चाहिए, जो आपको इस PDF में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गो थ्रू दैट PDF, मेड बी योर हिंदी लैंग्वेज, मेड बी इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आपके लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। इट इज अ बायलैंगुअल डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल्ड फॉर्म में, बट इन प्रिसाइज चॉइस ऑफ वर्ड्स में दिया है, तो काफी लेंदी आपके लिए नहीं होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज इन अ क्लियर कट फॉर्मेट, जो जो आपके एग्जाम परसेप्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, थीम्स हो गई, कौन वहां पे नॉमिनेटेड था, अपॉइंटमेंट थी, सारी इंपॉर्टेंट चीज में कवर है। आई विल बी कवरिंग द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम नाउ। सो द फर्स्ट न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज अफ्रीकन नेशन में फिलहाल हमारा इंडिया का इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो द न्यूज इज दैट African Union suspends Burkina Faso. African Union has suspended Burkina Faso's participation in the organization's activities until the country restores constitutional order after the military mutiny. Now, the military mutiny हमारी हुई थी 2015 में, जो हमारा वहाँ पे coup कहते हैं। Coup is a condition जब आपके citizens होते हैं या फिर कुछ military militant organization होती है, वो government के against armed rebellion कर दे, that is known as coup, और फिर वो government को suppress करके वहाँ पे rule करना शुरू कर दे। सो इनमें अलकायदा का भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, बाकी इस्लामिक स्टेट ग्रुप में रहे हैं। एटलीस्ट 2000 पीपल हैव बीन डेड एंड 1.4 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। सो काफी ज्यादा अनरेस्ट है उस नेशन में एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ये पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अफ्रीकन यूनियन जिसने उसको सस्पेंड किया, उसके पहले लेट्स नो अबाउट द अफ्रीकन यूनियन, देन आई विल टेल यू कि किस और ऑर्गेनाइजेशन उसको पहले ही सस्पेंड कर चुका है। फर्स्ट, अफ्रीकन यूनियन इज अ कॉन्टिनेंटल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ 55 कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका with exception of the various territories of European possessions located in Africa. Now, if you have must have heard about European Union, because of Brexit हुआ था, तब भी काफी बड़ा issue हो गया था कि European Union से Britain बाहर जा रहा है. So now the खुद African Union ने किसी Burkina Faso नाम के country को बाहर निकाल दिया अपने Union से. I'll be telling you in the detail in the map section कि Burkina Faso कहाँ पे, किस countries के हम बात कर रहे हैं. So you'll be knowing about that. उसके पहले ECOWAS नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऑलरेडी इसको पहले ही बाहर कर दिया था अपने ऑर्गेनाइजेशन से। नाउ दिस इज द मैप ऑफ द अफ्रीका। नाउ हियर यू कैन सी कि यहां पे कहीं आपका बुर्किना फासो लाई करता है। ये जहां पे आप देख रहे हैं बुर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया, गुआना, टोंगो, बेनिन, इन सब से घिरा हुआ है हमारा यहां पे बुर्किना फासो, दिस एरिया। नाउ यूरोपियन यूनियन ने इसको अपने नेशन से बाहर कर दिया है, यूनियन से। इसी का सेम आपको हिंदी फॉर्मेट में आपके PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई विल बी कवरिंग इन द इंग्लिश बिकॉज आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदी, आई रिस्पेक्ट दैट लैंग्वेज, बट द रीजन दैट आई एम कवरिंग मोस्ट ऑफ द न्यूज डिस्क्रिप्शन इन द इंग्लिश इज बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है इट इज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड वी आर मोर लाइक डिफेंस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मे बी साउथ के कोई स्टूडेंट हो, कोई हमारे पंजाब के स्टूडेंट्स हो, तो सो दे डोंट फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूज, दैट्स व्हाई आई विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द न्यूज इन द इंग्लिश। बट आई विल बी प्रोवाइडिंग इन हिंदी same news, same content in the Hindi language as well. So you can go through that Hindi language. And if you have any doubt, definitely ask in the comment section. Your queries will be resolved there. Now the next news is about MGNREGA, मतलब Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act. So as per the latest economic survey, why this news is in headline?
पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मनरेगा एंड क्यों इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है आपके एग्जाम परसेप्शन से, विल डिस्कस अबाउट दैट टू. सो द न्यूज इज इन हाईलाइट बिकॉज एज पर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, डिमांड फॉर वर्क अंडर मगनरेगा स्कीम हैज ड्रॉप फ्रॉम द पीक ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन बट इज स्टिल हायर देन द प्री कोविड लेवल्स. The highest demand for work under the scheme was seen in the states which are usually the destination of the migrant workers rather than the source states. Now, source states kya hai, destination kya hai? Source states like jo hamara UP aur Bihar type ke states hai, jahan se maximum worker migrate karke jaate hain dusre states mein. And jo hamara destination hai like Maharashtra ho gaya, your hamara Bangalore area ho gaya, वहां पे काफी वर्कर्स हमारे यूपी और बिहार एरिया से जाते हैं वहां वर्क करने के लिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूपी एंड बिहार इटसेल्फ. सो दैट्स व्हाई अब जो मगनरेगा की डिमांड है ये डेस्टिनेशन स्टेट्स में ज्यादा हो रही है आफ्टर द लॉकडाउन. लॉकडाउन के बाद पीक पे पहुंचा था, देन उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है इधर बीच, बट ये जो डिक्रीज के बाद भी जो नंबर ऑफ डिमांड है इट इज मच हायर देन द प्री कोविड. कोविड के पहले जो डिमांड था उससे अभी भी ये ज्यादा ही है, बट देयर हैज बीन अ डिक्लाइन. सो इशू क्या है that advocates of the rural workers have argued that the drop in demand is due to funding constraints and urged a significant increase in the allocation of the scheme in the union budget. The center had infused 40,000 crore of worth of additional funding early in the first lockdown. However, until the late in the year when many states had already run out of money, forcing an artificial suppression of the demand on the ground. So, advocates of the rural worker hai jo unhone demand kiya ki jo drop ho raha hai demand mein, this is a reason because ki funding jo hai government ki side se kahin na kahin kam aayi hai. So they argued, they urged for the government ki hamara jo naya union budget aane wala hai usme at least mgnrega ko thoda sa zyada allocation of budget ho, but aisa hua nahi hai because we'll be discussing about the union budget as well. Social work wali jo social sector jitne bhi the government ke usme government ne apna jo allocation of fund hai usko thoda kam kiya hai. It has focused more on the building of the infrastructure और पीएम गति शक्ति योजना उसके बारे में खास तौर पर पढ़िए. जितनी भी पीएम गति शक्ति स्कीम है इट हैज बीन एन रीसेंट हाईलाइट, डेफिनेटली गो थ्रू दैट स्कीम. नाउ द स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़े थे, व्हाट इज मगनरेगा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 एज अ सोशल मेजर दैट गारंटीज द राइट टू वर्क. द की टेनेट ऑफ दिस सोशल मेजर एंड द लेबर लॉ इज दैट लोकल गवर्नमेंट विल हैव टू लीगली प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया to enhance their quality of life. Now the right to work is not your fundamental right. There are three types of rights. इसके बारे में आप प्लीज आपको पता होना चाहिए. Just discussing about this now. कि जो आपके rights होते हैं, it's usually of three types. पहला constitutional, and जो दूसरा है हमारा that is legal rights. कॉन्स्टिट्यूशनल में भी हमारे दो टाइप के हैं. पहला आता है आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स, एंड दूसरा है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लाइक योर राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू वर्क आ गया. दीज आर ऑल योर अदर फंडामेंटल राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. सो एज अ व्हाट वी कैन से एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर राइट्स. सिर्फ एग्जाम परसेप्शन की बात नहीं कर रहे, इट इज नॉट जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ओनली. आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट योर राइट्स. सो राइट्स आपके दो तरीके के होते हैं मेनली, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड द लीगल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दो तरीके के होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेट ऑफ सब कैटेगरीज दैट आर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. देन आफ्टर दैट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लाइक योर राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू वर्क हो गया, दिस आर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आते हैं. So you must be aware of your rights also. Direct question यहाँ से भी आ सकता है, the right to work कौन सी right में आपके आता है. Now the same content in Hindi. Now how मगनरेगा contribution sustainable development goals जो हमारे दिए गए हैं उसमें मगनरेगा क्या क्या contribution करता है. It has helped in no poverty. The poverty eradication में काफी अच्छा important है. Zero hunger. It provides food. The money. So people are not dying of the hunger now. Good health and well-being. Quality education. Gender equality. Decent work, economic growth, industry, innovation and infrastructure and reduce inequalities. These are the 10 sustainable development goals जिसमें मगनरेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से या तो directly या तो indirectly contribute कर रहा है. That's why it is one of the very very important scheme from the government to eradicate poverty, to uplift the suppressed class of the rural areas especially. Rural areas के अंदर suppressed class हैं, गरीब हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, they are unskilled laborers. स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर्स को ये प्रोवाइड करता है. और अगर आपको नहीं वर्क मिला देन इट विल प्रोवाइड यू अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस. बेरोजगारी भत्ता भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपको अप्लाई करने के बाद
100 दिन के अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द कंपनसेशन मनी। की ऑब्जेक्टिव क्या है, यू कैन रीड अबाउट ऑल दिस, इट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द मनरेगा, इट इज प्रोवाइडेड इन द पीडीएफ इटसेल्फ, बट डेफिनेटली गो थ्रू इट। मनरेगा से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लाइक क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप होंगे। सपोज आपने मनरेगा के बारे में न्यूज पढ़ ली, बट यू डिडंट फोकस ऑन द मनरेगा स्कीम इटसेल्फ। आपने न्यूज पढ़ी कि हाँ वहां पे डिक्लाइन हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, इतना पढ़ के आपने छोड़ दिया। नाउ द रीजन व्हाई द एनालिसिस ऑफ द न्यूज इज नेसेसरी इज बिकॉज आपने मान लीजिए मनरेगा पढ़ के छोड़ दिया, बट डिडंट फोकस ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रिसीविंग द बेनिफिट्स, और क्वेश्चन यहीं से पुट अप हो गया बिकॉज मनरेगा स्कीम आपकी आई न्यूज में, आपने न्यूज पढ़ी, डिटेल में आप एनालिसिस नहीं किए, सो यू आर नॉट रियली अवेयर ऑफ व्हाट इज द एक्चुअल स्कीम, और स्कीम से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया आपके क्वेश्चन पेपर में। तो दे कैन पुट द क्वेश्चन फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी ऑफ गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, सो लेट अस फोकस ऑन द एलिजिबिलिटी। द सिटीजन मस्ट बी ऑफ इंडिया, मतलब कि सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है ये, बाहर एलियंस के लिए नहीं है। एलियंस मतलब आई थिंक यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन लिविंग इन इंडिया, फर्स्ट इट सिटीजंस, सेकंड इज एलियन ऑफ अदर नेशन। जो इंडिया के सिटीजन है, सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड करी जा रही है, इट इज फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके हिसाब से अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं देन वेल एंड गुड, नहीं है मतलब किसी बाहर नेशन से आए होंगे, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज एलियन। तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया सिर्फ वही मनरेगा स्कीम को बेनिफिट्स पा सकता है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, लोकल हाउस होल्ड का होना चाहिए, और अनस्किल्ड लेवल के लिए वॉलंटियर करना चाहिए। मतलब आपको इससे स्किल्ड लेवल प्रोवाइड नहीं कर जाएगा, आप जहां पे स्किल रिक्वायरमेंट है लाइक टेक्नीशियन हो गया या फिर समथिंग लाइक कैमरामैन एटसेट्रा, इस टाइप के काम आपको नहीं दिए जाएंगे। अनस्किल्ड लेबर लाइक लेबर, आपको गड्ढा खोदना है, कहीं पे मेड बनानी है, रोड बनानी है, सच काइंड ऑफ वर्क विल बी गिवन टू यू। इंप्लीमेंटेशन के बारे में क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ, एवरीथिंग इज गिवन हियर, सेम कंटेंट इन द हिंदी लैंग्वेज, गो थ्रू इट, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग इकोलॉजिकल एनवायरमेंट सेक्शन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन जो आपके पेपर आता है उसके पोर्शन से ये न्यूज आपकी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूज जहां जहां से आपके आ सकता है, लाइक फर्स्ट न्यूज वॉज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सेकेंड न्यूज रिगार्डिंग मनरेगा वॉज रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान्स, एंड द थर्ड न्यूज इज रिगार्डिंग योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन द फॉरेस्ट एरिया गेन एज पर द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया हैज इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट एरिया इन द पास्ट डिकेड एंड रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन एवरेज एनुअल नेट गेन इन द फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम 2010 टू 2020। तो हमारे लास्ट 10 सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया में, एंड इट इज रैंक थर्ड इन द ग्लोबली। नेट गेन की बात हो रही है, कितना एरिया हमने बढ़ाया है, इट इज नॉट अबाउट द नेट एरिया कवरेज, उसमें अभी भी इंडिया थोड़ा पीछे होगा, बट कितना इंडिया ने गेन किया है उस रैंकिंग के हिसाब से हम लोग थर्ड नंबर पे, मतलब इंक्रीज। द फॉरेस्ट कवर 24% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अकॉर्डिंग टू काउंटिंग फॉर 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो पूरे वर्ल्ड में से हम सिर्फ 2% एरिया फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉप 10 कंट्रीज में हमारी आती है ब्राजील, पेरू, कॉन्गो, रशिया, ये सारी चीजें हैं। सब मिला के आधा या इनसे आधे से ज्यादा, यू कैन सी द परसेंटेज डिफरेंस। ब्राजील में 59% कवरेज ऑफ टोटल लैंड इज अबाउट योर फॉरेस्ट, इंडिया में सिर्फ 24% है, लेस देन हाफ। पेरू में 57% है, कॉन्गो में 56% है, रशिया में 50% है। तो इनका हाफ या हाफ से ज्यादा पोर्शन पूरे एरिया का इट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। इंडिया की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेट लेस देन 1/4, 24%, नॉट इवन 25, 24% एरिया ऑफ टोटल इंडिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। सो इट इज डेलिबरेटली लो, बट इंडिया इज वर्किंग ऑन इट, इंक्रीजिंग इट, सो वी कैन। एंड इसमें खासतौर देखने वाली बात है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। स्टेट्स का साइज छोटा है, बट द परसेंटेज अगर आप देखें तो उनका काफी ज्यादा, लाइक मिजोरम 85% ऑफ द टोटल लैंड एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, सो दैट इज अ रियली हाई रेशियो। अगर हम सेंट्रल स्टेट की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या फिर सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें, वी आर गिवन इन मध्य प्रदेश 11% ऑफ द टोटल इंडिया फॉरेस्ट, फिर मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट है वैसे, फिर अरुणाचल प्रदेश में 36% 8%, ओडिशा 9%। तो लोगों का कहीं ना कहीं रेशियो ऑलरेडी कम है। यू कैन गो थ्रू द सिंधी पोर्शन ऑल्सो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग दिस वीक इज ऑफ योर यूनियन बजट। यूनियन बजट के लिए हम लोग स्पेशल एक वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे, तब तक के लिए जस्ट गो थ्रू द हाइलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज निर्मला सीतारमण, ऑन फरवरी 1 प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ वर्थ 39.445 लाख करोड़ विथ मैसिव पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। नाउ द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, इट इज रिगार्डिंग थ्री
सिंपल बेसिक चीज जो आपको ऑलरेडी पता होगी, दैट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, निर्मला सीतारमण। व्हेन वाज द बजट ऑफ इंडिया, यूनियन बजट 2022 वाज प्रेजेंटेड, इज व्हाट, फरवरी 1 प्रेजेंटेड, नोटिस द वर्ड दिस, प्रेजेंटेड अ बजट, प्रेजेंट कब किया गया था, तब की बात हो रही, कब पेश किया गया है उनके सामने, इट हैज नॉट बीन एनएक्टेड येट, इट ना, द वर्थ ऑफ कितना कितने पैसे का बजट था, इट वॉज अप्रोक्सीमेट 39.45 लाख करोड़। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम परसेप्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या नोट करने की आपको जरूरत है कि बजट, जैसे कि बजट आ गया, आपने बजट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि कितने रुपए कहाँ पे क्या दिया गया, बट यू डिडंट नो अबाउट द प्रोविजन क्या है, कि बजट को किस तरीके से लॉन्च किया जाता है, कब प्रेजेंट करता है, कौन प्रेजेंट करता है, किसके एडवाइस के बिना उसको इनैक्ट नहीं किया जा सकता, सच काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो एंड रीड अबाउट इट इन डिटेल। बजट पे स्पेशल वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है, सो वेट फॉर दैट। जो इस बजट में देखा गया, देर हैज बीन अ पॉजिटिव पॉइंट, देर हैज बीन अ नेगेटिव पॉइंट एज वेल। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लाइक द इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट हैज फोकस्ड मच ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिस टाइम, एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पीएम गति शक्ति जो हमारे कनेक्टिविटी है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को साथ मिला के इंफ्रास्ट्रक्चरल और रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, रोड बिल्डिंग्स, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग विल बी काउंटेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। So it has been focused much on the infrastructure development now. So definitely that will give a push. The reason, because India mein investment ka ratio thoda sa decrease hua hai, the FDI has been decreased. Because yes, the rules and regulation were lowered down a bit taki promote kiya jaye FDI ko, but because of the lack of infrastructure, people and the companies were reluctant in increasing their investment in India. So to sort that issue out, we have focused this time on the infrastructure, but that some criticism has been there that India has, जो बजट हमने लोकेट किया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, लाइक इंडिया हैज रिड्यूस द बजट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, थोड़ा सा बजट हमने वहां से कम किया है, कहीं के जितने में सोशल सेक्टर है जहां पे हम लोग को प्रोवाइड करना था वो, उसमें हम लोग ने बजट को कम किया है। नो द रेशियो, द प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि वी आर फोकसिंग ऑन कि हम लोग को इंडिजिनियस इन्वायरमेंट को डेवलप करना है, हम लोग के वर्क को डेवलप करना है, जितने भी एमएसएमईज हैं, शॉर्ट वर्किंग सेक्टर, उनको डेवलप करने के लिए वर्क किया गया है, बट उनकी जो चीजें खरीदी जाएंगी वो दैट विल बी बॉट बाय द पुअरर सेक्शन और द मिडिल क्लास फैमिली, बट आपने मिडिल क्लास की इनकम को ही कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं डिमांड आपने कम कर दिया, सप्लाई बढ़ाने पे आपने वर्क किया, दैट्स व्हाई द इकोनॉमिस्ट है उनका ये रिएक्शन आया है दैट द बैलेंस हैज बीन डैमेज बिकॉज ऑफ दिस बजट, कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा कम रखा गया। बाकी जो क्रिटिसिज्म आया है लाइक हेल्थ के साइड से भी आया है, इवन आफ्टर द कोविड पैंडमिक, इवन आफ्टर गेटिंग द ब्लंट ऑफ द कोविड पैंडमिक एंड द कोविड डिजीज, इंडिया में बजट पे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, इवन दो बहुत बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ, द बजट इज सेम एज पर द लास्ट टाइम। थोड़ा सा फोकस किया गया कि इस टाइम नेशनल मेंटल हेल्थ का वो किया गया है, सेटअप करा गया है कि मेंटल हेल्थ के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया जाएगा जहां पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव पुश इंडीड। इंडिया इज वर्किंग ऑन, इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द मेंटल हेल्थ एज वेल, बट बाकी सारे सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया गया है। So, कहीं ना कहीं बैलेंस की थोड़ी कमी दिखी इन द बजट सेक्शन एज पर द एनालिसिस ऑफ द वेरियस इकोनॉमिस्ट। यू कैन गो थ्रू दिस कि क्या बजट कहां पे कितना मिनिस्ट्री वाइज दिया गया है इन रुपीस। डिफेंस को आप काफी ज्यादा देख सकते हैं, 525.2K दिया गया, ऑल्दो इट इज नॉट अ मच इंक्रीज, बट हाँ यहां पे आप ये देख सकते हैं कि जो बजट इंक्रीज दिया गया है, इट हैज नॉट बीन इंक्रीज, बट ये इंप्लीमेंटेशन लगा है दैट अप्रोक्सीमेट ऑफ 60% ऑफ दिस बजट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन द जो हमारा इंडिजिनियस कंपनीज हैं, जो डिफेंस की इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट में हमने थोड़ा वर्क करने के लिए फोकस किया कि अप्रोक्सीमेट 60% ऑफ दिस बजट को उन लोगों को देना है जो डिफेंस में नई टेक्नोलॉजी देने के लिए, नए वेपन्स देने के लिए काम कर रहे हैं। सो दैट बजट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन दैट पोर्शन ओनली। मेक इन इंडिया पर थोड़ा फोकस किया गया है इन द डिफेंस सेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ आपके सोरिंग इन्फ्लेशन रेट क्या था, करंट फिस्कल ईयर में इकोनॉमिक कितनी ग्रो हुई है, 9.2% है, इट वॉज प्रोजेक्टेड एट 9.4%, 2.2% का डिक्रीज ही रहा है पहले से। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्रीज है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज वेरी ईगर और वी कैन से डेस्परेट इन इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। एज आई टोल्ड यू अबाउट द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल एनकंपास द 7 इंजन्स ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। द 7 इंजन्स इंक्लूड रोड, तो 7 इंजन्स क्या है, पीएम गति शक्ति जो है 7 इंजन्स को साथ मिला रही है ताकि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को लाया जा सके, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो 7 इंजन्स जो हमारे हैं, दैट आर रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी इन सारे 7 इंजन को लेकर इकोनॉमी को साथ में यूनिसन में हम लोग को आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाई पीएम गति शक्ति योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वंदे भारत ट्रेन से एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर, सारी चीजें आपकी इस पीडीएफ में कवर कर दी जाएंगी। यू डेफिनेटली गो थ्रू दिस पीडीएफ इन द हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। देयर इज वेरियस अदर इंपॉर्टेंट न्यूज कवर्ड इन दिस पीडीएफ। आई विल जस्ट गिव यू अ हाईलाइट ऑफ दैट। नल से जल योजना, इट इज एलोकेशन ऑफ 60,000 करोड़ हैज बीन मेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउसहोल्ड इन 2020-2023 अंडर हर घर नल से जल स्कीम। Now, Nal Se Jal scheme was launched in 2019. The nodal ministry agency is Ministry of Jal Shakti, aim to provide pipe drinking water to every rural home by 2024. Jal Jeevan Mission ke antargat hi aata hai. To various factors jo hai, implementation kahan pe hua hai, kya need thi iski, what is about Jal Jeevan Mission, implementation, everything has been covered in this PDF. So definitely go through this PDF. You will be able to get this PDF from the Major Kalsi website. Download section mein aapko ye PDF provide kar di jayegi. So go through this PDF. It is covering every important news relating to your defense examination. आपके defense में जितनी भी important examination में news आनी है, it has been covered in that PDF. Go through this and for any doubts, go through the comment box. Write your doubt there and it will be resolved soon. जय हिंद। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद।